कि राम के राजों की अनोखी बातें थी, सुखों के दिन सुखों की रातें थी। राम के राजों में गलियों में दूध बहता था, उस टाइम घर में ना कोई भूखा सोता था। आज उसके प्रतिकूल सारी उल्टी बातें हैं, दुखों के दिन दुखों की रातें हैं। बजाए गलियों में दूध बहने के खून बहता है, आधे से ज्यादा देश भूखा सोता है। अकेली माता बहन घर से बाहर जा नहीं सकती, अगर चली गई घर से बाहर तो लौटकर आ नहीं सकती। बेटी का सम्मान नहीं दुनिया वालों मुझे बताओ, बेटी का संतान नहीं। क्योंकि बेटा जब प्रदेश को जाए, बेटा तेरे लिए बोल रहा हूं मैं, बेटा जब प्रदेश को जाए सब सोचे कुछ लेकर आए, एक माँ कहती है कुछ लाए ना लाए पर लाडला मेरा घर में वापस ठीक ठाक है। तो आएगा बेटियों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बेटों से ज्यादा पढ़ लिख रही हैं बेटियां। नहीं मैं कहता ही नहीं बेटा, बंद कर दू। तुम बेटियों के लिए कह रहा हूं बेटा, बेटों से ज्यादा पढ़ लिख रही हैं बेटियां और अपने बाबुल का नाम रोशन कर रही हैं बेटियां। पायलट बेटियां, ऑफिस में सबसे बड़े ओहदे पे बेटी, पुलिस महकमे में, डॉक्टरी में आज की बेटी। बेटियों के लिए ताली बजाओ जिनके घर में बेटियां, जिनके नहीं है वो भी बजाना। भाई का सेवा करनी है बेटियों के लिए और कहना क्या, बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं दुनिया वालों मुझे बताओ, 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 बेटी का सम्मान नहीं। होती है।
मेरे पास, उनके पास, ये शिवम भैया के पास, जिन पे बेटियां, आप लोगों के पास बाजी। क्योंकि कहते हैं कई बार पापा डांट लगा दे, भाई डांट लगा दे, तो बेटी की मम्मी कहती है इसे क्यों डांट रहे हो भाई, पराया धन एक दिन डोली में विदा हो जाएगी, ये लाडो इस दहलीज को लांग जाएगी। बेटी कभी पराई नहीं है, बेटी हमेशा अपने, बेटी किसकी प्यारी, किसकी, पापा की। एक बेटा ही होगा ना जो मम्मी के पीछे लगा रहा है, क्योंकि पता ना सारे काम मम्मी बना देगी, है ना। इसलिए कहा है पापा की जान मम्मी की जान, पापा की जान होती है शर्मा जी। और पंकज शर्मा जी की सुनो जरा,
मेरी मियां के दरबार में आवे कभी ना काल। और 100 रुपए अरदास कराते पंकज शर्मा जी 5 से 7 संग में पूरा परिवार थोड़ा कान में बोल बेटा, सुनने वाला चश्मा कर रहा है क्या? केशव शर्मा जी की अरदास हुआ जी का, ये 100 रुपए की अरदास कराते हैं केशव शर्मा जी और कह रहे क्या तू भीख न देगी तो भक्तों देसी की कतलका 50 रुपए अरदास कराता आर्य नाम का लड़का तेरे बच्चे की आवाज बोला सच्चे दरबार की पर्दे में रहने दो पर्दा ना ये पर्दा डालो ये इसे पीछे ले जा टेंट के ऐसे पर्दा डालना जैसे यहाँ पे प्लॉट बनाएगा बोला सच्चे दरबार की जय जय एक स्कूटी ले रहा है जमीन ले रहा समझ ही नहीं आ रही झांकी वाले ही माल कमा रहे बोला सच्चे दरबार की आओ भाई लो भैया कुणाल गोयल काव्यान गोयल आकाश गोयल तीनों भक्त आ गए और 100 रुपए की अरदास करा रहे और कह रहे क्या हमारा छोटा सा परिवार संग में पूरा परिवार पूरा परिवार की आवाज लोकेश गुप्ता जी ये पूरा परिवार माँ के दरबार में आ गया और कह रहे हैं लोकेश गुप्ता जी के लिए हम तू सेठ बने का करोड़ी मल तेरा छोटा सा काट जाएगा तेजस्वी की अरदास छोटी बच्ची की अरदास विनोद चौधरी 100 रुपए की अरदास ठाकुर सूरज सिंह जी 100 रुपए की अरदास नन्ही सैनीमल जी 100 रुपए की अरदास और मां के दरबार में बच्चे अरदास करा रहे युवराज जहां जहां परिवार बाजी मां के दरबार में 50 रुपए की अरदास करा रहे और मां के दरबार में एक दिन क्या आजा माई की शाम सपनों में आता क्यों नहीं शाम सपनों में आता क्यों नहीं शाम सपनों
पास हो रही है। मैं नहीं से बोलूंगा, विशाल बंसल जी यशवी, और ये चारों पता क्या करें, जय श्री राम करियो साढ़े पांच, फिर कह दो जय श्री राम, जय जय श्री राम, और ये बंसल परिवार कहना पता क्या, जो नाम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो नाम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो नाम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो नाम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब यूज करो, बहुत देर हो रही थी, अब करो, तेरा वेलकम कराना पड़ता, देखो स्वागत तुम्हारा ऐसे तो हो। दूसरा पैटर्न लगाओ, दूसरा रोहित गुप्ता 50 रुपए के दास, बोले वाला लगा दो, बोले नहीं बना तो चल धक्के धक्के लगे दरबार की।